हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत सुंदर बेल लेकर आई हूँ। ये देखिए डिजाइन हमारा कितना सुंदर लग रहा है। इस डिजाइन को आप स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये 8 और 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 12 12 फंदों का जोड़ा बनाया गया है। यहाँ पर ये हमने 4 फंदे रखे हैं और यहाँ पर 8 फंदे रखे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, और इजी भी बहुत है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसको शुरू करके बताऊंगी, इसको कैसे शुरू किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये देखिए आप, अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, पहले हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब हम जब शुरू करेंगे तब ये देखिए आप 4 फंदे लीजिए, 4 फंदे का जोड़ा है ये। एक डिब्बी हमारी 4 फंदों से बनती है। तो अब हम पहले 2 फंदे लेंगे, ये एक फंदा छोड़कर दूसरा फंदा, इसको हम ऐसे बनाएंगे आगे की साइड से ऐसे, और फिर दोबारा पहले फंदे को इस प्रकार से बनाएंगे, फिर इधर से लेंगे पीछे वाला फंदा। पीछे वाले फंदे को हम पीछे से लेंगे ऐसे, इस प्रकार से, और दूसरा फंदा ये जो आगे रह गया इसको फिर आगे से लेंगे ऐसे। ये देखिए आप, और इनको निकाल दें। ऐसे ही इसमें भी पहले फंदे को छोड़कर दूसरा फंदा पकड़ें, दूसरे फंदे को आगे से ऐसे बनाएं। आप निकाल कर भी बना सकते हैं। पहले इसको बनाएंगे, फिर पीछे की साइड से इसको बनाएंगे ऐसे। इस दूसरे फंदे को हम पहले बनाएंगे पीछे से, और फिर दोबारा आगे वाले फंदे को आगे से बनाएंगे ऐसे। अब इन दोनों को निकाल देंगे इस प्रकार से। ये दोबारा फिर देखिए आप, ये फर्स्ट फंदा छोड़िए और इस सेकंड फंदे को लीजिए। आप इस प्रकार से निकाल कर भी बना सकते हैं। ऐसे निकालिए, पहले पीछे वाले फंदे को पकड़िए और आगे वाली सिलाई से इसको फिर इसके ऊपर डालकर ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे ही इधर ये देखिए आप, पहले पीछे वाले फंदे को लीजिए, फिर आगे वाले को पीछे लीजिए। इनसे हमारी डिब्बी एक बार खुल जाएगी और दूसरी बार बंद हो जाएगी। ये हमारी डिब्बी खुल गई। अब फिर दोबारा देखिए, इस फंदे को हम आगे से लेंगे और इसको हम दोबारा पीछे से लेंगे। फिर ऐसे ही इस फंदे को हम पीछे से बनाएंगे पहले, और इस आगे वाले फंदे को इस प्रकार से बनाएंगे। आप निकाल कर बनाइए या सिलाई के अंदर रखे हुए ही बनाइए। ये 4 4 फंदे हमने साइडों में लिए और 4 फंदे हमने बीच में लिए। ये है हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ना घटाएंगे, ना बढ़ाएंगे, ना पलटेंगे, एकदम सीधा बनाएंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है।
दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गई हमारी तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में देखिए आप, ये चार फंदे हम पहले उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो पहले हम बीच में लेकर गए थे ये फंदे, इनको अब हम बाहर निकालेंगे। आप ऐसे फंदे निकाल कर निकालिए या सिलाई में निकालिए। पहले इसको लेंगे, फिर इसको बीच में ले लेंगे। इसको ऊपर से रखें और इस प्रकार से बना लें। ऐसे ही इधर से पहले बीच वाले को बाहर निकालें और बाहर वाले को अंदर रख लें। ये देखिए, पहले हमने डिब्बी को यहाँ पर खोला था, अब हमने यहाँ पर डिब्बी को वापस बंद कर दिया। ऐसे ही इसमें पहले दूसरे फंदे को पीछे से बना लें, फिर पहले फंदे को आगे से बना लें। इस पीछे वाले फंदे को आगे से बना लें, वो आगे वाले फंदे को पीछे से बना लें। ये देखिए, आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारे चार फंदे उल्टे, फिर ऐसे ही ये पीछे से बनाइए, ये फिर ऊपर से बनाइए। पहले पीछे वाला फंदा लें, फिर आगे वाला लें। पहले पीछे वाला फंदा लेंगे, फिर आगे वाला लेंगे। इसमें भी ऐसे ही पहले पीछे वाला लेंगे, लेकिन आगे की साइड से लेंगे और ये पीछे की। ये देखिए, हमारी दोनों डिब्बियाँ कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार से ही आप ये इन चार सिलाइयाँ बार बार दोहराई जाएंगी और इसी तरह से हमारा डिजाइन इस प्रकार से बनकर आएगा। ये हमारी सिलाइयाँ इसी प्रकार से दोहराई जाएंगी। अब फिर दोबारा ये हमारी उल्टी सिलाई है। ये चार सिलाइयों का डिजाइन है। यही चार सिलाई बार बार रिपीट करनी है। ये उल्टी सिलाई, ये हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब फिर ये देखिए आप कैसे शुरू करेंगे। दोबारा फिर चार फंदे उल्टे। अब वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर पहली सिलाई शुरू की थी, उसी प्रकार से दो फंदे निकालिए, पहले फंदे को पीछे से लीजिए और दूसरे फंदे को आगे से, और इसके ऊपर रखिए, फिर इनको बनाइए। सीधा ऐसे ही इधर पहले आप बाहर वाले फंदे को पीछे से लीजिए और आगे वाले फंदे को इधर लीजिए, इसके ऊपर इस फंदे को रख ले। ये हमारी डिब्बी खुल गई है। ये चार सिलाइयाँ हमारी इसी प्रकार रिपीट होती रहेंगी और हमारा डिजाइन बनता रहेगा। अगर आप बनाकर ट्राई करेंगे तो बहुत ही सुंदर बनेगा और बहुत ही इजी है। ये देखिए, सिलाई में बनाइए या आप उतार कर बनाइए। ये सिलाइयाँ, चार सिलाइयाँ हमारी बार बार रिपीट होती रहेंगी। वो ये बहुत ईजी डिजाइन है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।